यह है डॉक्टर राजकुमार। ये शरीफ सा दिखने वाला डॉक्टर नहीं बल्कि ये आरडी रंगीला डॉन है जिसने शराफत की दुनिया छोड़कर क्राइम की दुनिया में पहला कदम रखा और द माफिया गैंग को ज्वाइन करके इसने इंडिया से लेकर नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया तक अपने कारोबार को बढ़ाया। गांजा, सुलुपा, दारू, हीरोइन, ड्रग्स, डायमंड, गोल्ड, हर चीज़ की तस्तरी इन लोगों ने की। और बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस, चीफ मिनिस्टरों तक को अपने साथ मिला लिया और बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, मॉलीवुड में काम करके अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आइए आपको दिखाते हैं इनकी रियल की जिंदगी कैसी होती है। हेलो 0420, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गीता मलेशिया। पार्सल हमने भेजा है, तुम उसको नेपाल नेपोलियन को पहुंचा देना है बॉर्डर पर। जी हाँ 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 हाँ, ओके ओके, पार्सल पहुंच जाएगा। क्या है पार्सल में? 50 करोड़ के डायमंड और गोल्ड। जी किसको पहुँचाने हैं? नेपाल बॉर्डर नेपोलियन को। ओके जीता, कल पहुँच जाएगा। मलेशिया से कौन आ रहा है लेके? मिस्टर मैक। ओके ठीक है, मैं रिसीव कर लूँगा और पहुँचा दूँगा। हाँ मेरा हिस्सा मेरे अकाउंट में पहुँच जाना चाहिए। ओके, आपका हिस्सा मिल जाएगा। ओके ओके बाय। अब आएगा कहानी में मजा। वाव, डायमंड बिल्कुल ओरिजिनल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जीत, ब्यूटीफुल। ये 50 करोड़ का डायमंड नेपाल नेपोलियन के पास बहुत अच्छे से पहुंचेगा। एक लाख की चोरी और धोखाधड़ी, गद्दारी बिजनेस से, और करोड़ों की हेरा फेरी बिजनेस है भाई, बिजनेस है। ये डायमंड रख लेता हूँ, पूरी टीम को खरीद देता हूँ, सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा, सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा। और जीत और नेपोलियन, उनको उनकी गद्दारी की सजा मिल जाएगी। हेलो आरडी, मैं गुरु बोल रहा हूँ, कल मॉर्निंग में मंदिर पर आ जाओ। हाँ, तुम एक पार्सल लेकर नेपाल बॉर्डर पर जाना है और नेपोलियन को वो पार्सल दे देना है। याद रहे टाइम से कल पहुँच जाना। ओके करोड़ों के डायमंड रख कर ये डुप्लीकेट गोल्ड जो है नेपोलियन के पास पहुंचा देते हैं।
यही सबसे बेटर रहेगा। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। और आरडी कैसे हैं? ठीक है गुरुदेव। और हफ्ता वसूली कैसी चल रही है? ठीक चल रही है गुरुदेव। ये गोल्ड है नेपोलियन का, ये नेपाल का एड्रेस है बॉर्डर का। नेपोलियन माल लेने आएगा, उसको ये गोल्ड सप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, हो जाएगा सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्सल अच्छे से जाना चाहिए। अच्छे से चले जाएगा गुरुदेव। ये करोड़ों का माल है, इसमें गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई जिम्मेदारी बंदा भेजना अपना। ठीक है, जिम्मेदारी बंदा जाएगा, कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तुझे प्रॉब्लम से भर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी गुरुदेव, माल सुरक्षित जाएगा। ठीक है जाओ। मुन्ना तालियां को बुला। अरे सबका अब तो आ गया, फोन आ गया यार। हेलो बॉस। कालिया जल्दी आ, बॉस ने बुलाया। जी दो मिनट में आया सर बॉस। यस बॉस, कैसे याद किया? ये ले पता और इस माल को इस पते पर पहुंचाओ। यस बॉस। मुन्ना मुझे कालिया पर शक हो रहा है, उसके पीछे जाओ, कुछ गड़बड़ मिली तो गोली मार देना। यस बॉस। उसने तो कहा था मेरे को, पर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। चलो आगे जाके देखता हूँ। यार बॉस ने तो उसको यहाँ बोला था मिलने के लिए, ये वहां का यार साला कालिया गद्दारी कर गया। हेलो।
ये कौन है? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब, लगता मर गया बेचारा। कहाँ का था, किसका था ये? भाई साहब, अरे कुछ तो बताओ। कौन कौन? अरे ये क्या है? अब इसमें क्या है? मार सोना। याहू! लाइफ बन गई, लाइफ बन गई। आज का पाशा मैं, आज का पाशा मैं नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा। मेरी जान में आ रहा है जो तू हो जाए मेरी। मैं क्या हुआ? हेलो, हर झोल माल है भाई, सब गोल माल है। हर सीधे रास्ते की ब्रो कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस तरीके से एक साथी ने धोखा दे दिया है। आ रहा सीना सुल्फा वाली जाने जहां। हेलो 0420, ये मेरा पार्सल अभी तक पहुंचाने क्या प्रॉब्लम हुआ है? जी जी जी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है माल पहुंचने में। अभी तक पार्सल नहीं पहुंचा है, कैसे बिजनेस होगा? ऐसे बिजनेस थोड़ी होता है। मैं ओनली आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मेरा पार्सल मिल जाना चाहिए। पहुंच जाएगा आपका माल? यार इस जीते ने भी मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। साला क्या मलेशिया बैठ के 50 करोड़ का हीरा भेज रहे, बार बार फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है। अरे उसको पता है गुरु ने जो माल हड़प लिया वो हड़प लिया, उसको कोई ले ही नहीं सकता। साला पागल है। हेलो 0420, क्या हुआ? मेरा पार्सल कहाँ है, क्या खबर है? अरे अरे सर, बहुत बड़ा पंगा हो गया, आपको तो कुछ खबर ही नहीं है। अरे सर, कालिया ने आपका नाम ले दिया, इंडिया में और नेपाल में आपके नाम के वारंट निकल गए हैं। ओह माय गॉड। हाँ बिल्कुल, आपका इनकाउंटर हो जाएगा एयरपोर्ट पे, हर जगह आपके नाम की पुलिस लगी हुई है चारों तरफ। अरे सर, छानबीन हो रही है। यस यस सर, आप उधर ही रहो और माल का जैसे भी अगर हाथ लगा तो आपके पास मैं पहुंचा दूंगा, या नेपोलियन तक पहुंचा दूंगा। अभी आप इंडिया नेपाल मत आओ, आप वहीं रहो मलेशिया ही, और छुप के रहो। ठीक है। अरे सर, इंडिया में मोदी योगी का राज है, सीधा इनकाउंटर है, वहीं पर रहो, छिप के रहो। ना मैं इंडिया आ रहा हूँ ना नेपाल आ रहा हूँ, अब मैं यहीं पे बैठ के तुमको जैसा करना है करो। ओके, मैं भी मंदिर में पूजा करके मैं भी मंदिर में पुजारी बन गया हूँ, वहीं रहो आप। ओके 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 बाय। ये साला क्या पैसा लेगा रे तू? अबे जीत, तू क्या गुंडा बनेगा रे? तू गुरु के माइंड को नहीं समझ पाया?